रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही है और एक बार फिर जहन में कुछ नहीं है। कौन जाने कि कल सुबह क्या होना है। हां बस एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो मेरे अंदर बहुत आहिस्ता आहिस्ता सराइयत कर रहा है। जो कुछ होगा शायद वो भले के लिए होगा, और फिर हम जहां खड़े हैं उसका जिम्मेदार कौन है? शायद हम खुद। कितने अचंभे की बात है, हम हमेशा दूसरों से ये तवक्को करते हैं कि वो तमाम चीजों की जिम्मेदारी कबूल कर लेंगे, और हम खुद सारी जिम्मेदारियों से मुबर्रा हो जाते हैं। करप्शन अगर किसी ने खत्म करनी है तो वो दूसरे ने, हम खुद पहली फुर्सत में करप्शन के लिए आगे आगे होते हैं। अगर किसी ने सच बोलना शुरू करना है तो शायद उसकी पहल भी कोई दूसरा करेगा। किसी ने झूठ को खत्म करना है तो शायद इसकी जिम्मेदारी भी किसी और के कंधों पर डाल दी जाएगी। रिश्वत नहीं लेना चाहते, लेकिन साहब रिश्वत ले लेते हैं। वीआईपी मूवमेंट के खिलाफ होते हैं, लेकिन हम खुद वीआईपी कल्चर में रहना चाहते हैं। मेरिट की बात करते हैं, टेलीविजन पे नारे लगाते हैं, रेडियो पे बैठ के बड़ी तकरीर करते हैं, अखबारात में आर्टिकल्स लिखते हैं, मेरिट के फवायद को बताते हैं, लेकिन पहली फुर्सत में एक टेलीफोन उठाकर किसी से भी कह देते हैं, भाई आपको मेरा ये काम तो करना पड़ेगा। अब देखिए ना, आप इस जगह हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? गर्ज ये कि हमारी सारी जिम्मेदारी सारे सच की, सारे झूठ की, सारे स्याह की, सारे सफेद की किसी दूसरे के कंधों पे है। ये मुल्क हम सबका है, लेकिन जाने क्यों हम इसके साए तले बैठकर सिर्फ फल के गिरने का इंतजार करते हैं। इसकी जड़ों में पानी कोई और डालेगा, इसके फाजिल पत्तों को निकालना किसी और का काम है, इसके गिरते हुए तने को सहारा देना, जड़ को मजबूत करना शायद किसी और की जिम्मेदारी है। हां मगर इसका फल अगर गिरेगा तो वो हमने जरूर खाना है। कल क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन कहा ना, जो कुछ होता है शायद भले के लिए होता है। शायद कल ऐसा हो कि हम अपने इस दरख्त की आबियारी करने लगे। कल जब अचानक आंख खुले तो सब कुछ दुरुस्त हो। कल ऐसा लगे कि जैसे हम इस दरख्त के साए ही में नहीं बैठते, बल्कि इसकी जड़ भी मजबूत बनाते हैं, इसके फल को कीड़ा लगने से भी महफूज रखते हैं। कल जब मेरी आंख खुलेगी तो ये ख्वाहिश लेके सोता हूं, कल एक नई उम्मीद होगी, एक नई सुबह होगी, एक नई जिम्मेदारी होगी, एक नई तरजीह होगी। तरजीह
तरजीह हमारे अवाम की, पर आज की रात गुजर जाए तो जानूंगा ना, कल सुबह आंख खुलेगी तो मानूंगा ना, वरना बरसों से मैं तो सो ही नहीं पाया। चलो आज भी नींद का इंतजार करके देख लेते हैं।